हे एवरी वन, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। आई होप आप लोग ठीक होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ और अभी गुड़िया भी बहुत बेटर है। सो ये ब्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है। लास्ट वाले ब्लॉग NOSC वाला ब्लॉग में आपने देखा था, मैंने बोला वो ब्लॉग मुझे पहले अपलोड करना है, इसलिए ये हो रहा है लेट। यहाँ मैं कर रही हूँ शिवरात्रि की पूजा के प्रिपरेशन। यहाँ कर रही हूँ मैं अपनी थाली रेडी और पास में भाई भाभी है पूजा कर रही है, मंदिर में पूजा करके आ चुके हैं। सो अभी ये कर रहे हैं घर पर और मैं जा रही हूँ बाहर। सारे सामान आ गए, पानी आ गया, ये है वो मम्मी के पास, अभी तो खेल रही है, चुप है। तो मुझे फटाफट जाके फटाफट आना है ताकि इसके रोने से पहले मैं मंदिर से वापस आ जाऊं। अभी बस मैं आई हूँ मंदिर और गुड़िया के बारे में मैं आपसे थोड़ी देर बाद में बात करूंगी, क्योंकि आज इतने सुबह इतने जल्दी जल्दी मुझे भी मंदिर आना पड़ा। थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं मंदिर आई हूँ, पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी। और अभी इस मंदिर में आई हूँ, अभी इसमें पता नहीं भीड़ है या भीड़ है, तो इसके साइड में मंदिर है उसमें जाऊंगी। रितु अभी देख के जाते हैं भीड़ है क्या। फिर क्या चाहिए तो देखो क्या इसके ऊपर क्या है। मैम भीड़ ज्यादा है तो यहाँ पे वो ऑलमोस्ट मेरी पूजा है वो कंप्लीट हो चुकी है और मेरे बाद में है वो रितु ने पूजा किया है। और इसके जस्ट पास में जो मंदिर है वो यहाँ का मेन मंदिर है श्याम जी का मंदिर, उसमें भी शिव जी का मंदिर है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और हम इसके पास में, ये भी बहुत पुराना शिव जी का मंदिर है, तो हम इसमें पूजा करने आए। पूजा तो हो गई है और अभी बस पापा का भी फ़ोन आ गया कि बस वो रो रही है, मैं आपसे घर जाके आराम से बात करूँगी, यहाँ अभी बात नहीं हो पाएगी, मुझे 2 मिनट में भी घर पहुँचना पड़ेगा। सो सूर्य को मैंने सुला दिया है और उसके बाद मैं कर रही हूँ अपना लंच। मैंने फास्ट नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली ब्रेस्ट फीडिंग पे हूँ तो फास्ट मैं नहीं कर सकती। और मैं यहाँ सिंपल सी अपनी दाल और घी के साथ में रोटी एंजॉय कर रही हूँ। गौर से देखिए इस इंसान को, इंसान ये इंसान VIP हो गया है गाइस, ये इंसान मतलब ही हो गया, ये इंसान मेरी बेटी को एक दिन निकलाने आया, देखने तक नहीं आया, एक दिन यहाँ वो याद हो रहा देख, यहाँ हमारा तो यहाँ शक्ल दिखनी चाहिए, जाट का ब्याह आयो नहीं, ठीक है नहीं। ये है मेरे भाई का दोस्त है आदित्य, दोस्त भी है पड़ोस में भी है, अलग अलग रिलेशन है, बुआ लगती हूँ। एनीवेज तो ये यहाँ वेट कर रहे हैं बीनू के रेडी होने का, क्योंकि ये जा रहे हैं आज भाई के एक दोस्त की शादी है तो उसका वो बहन है आज, तो बीनू अभी रेडी हो रही है, उसी का वेट कर रहे हैं, उसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आदित्य से बोला कि मैं तो इतनी देर वेट करता ही नहीं, और अगर इन फ्यूचर मेरी ऐसी शादी हो जाएगी तो मैं इसको बोल रही हूँ ठंडा करके कहा तो भी इतना ही पेशेंस रखेगा, अभी बोल रहे क्योंकि अभी शादी नहीं हुई है। गाइस ऐसा होता है कि
शादी होने के बाद में इंसान ना घर का रहता है ना घाट का रहता है, ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। थोड़ा जोर हूँ, थोड़ा सा जोर हूँ। बीनिया है वो रेडी हो चुकी हैं और छोटे वाले भी अभी आ जाएंगे एंड ये जाएंगे अभी बाहर में। तो रितु दोनों, बीनिया भाई दोनों और ये आदित्य भी उनके साथ में जा रहा है। सो मैं और मम्मी नहीं जा रहे हैं क्योंकि गुड़िया छोटी है, तो मैं भी कहीं नहीं जा रही अभी। मेरी फ्रेंड के भाई की शादी थी उसमें भी नहीं गई थी और मम्मी भी नहीं जा पाती हमारी वजह से। कौन कौन जा पाती से लियो मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा मतलब ज्यादा बात करने का। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में क्योंकि वो लोग गए हैं एक शादी में, मतलब बाहर बैठ रहे दोनों बहनियाँ रितु और दोनों भाई, वो गए हुए हैं। मम्मी अभी नहा के आ चुकी है, मतलब नहाने गए थे मम्मी और गुड़िया के पास, पापा को छोड़ के आई हूँ। तो मुझे लगा फटाफट मैं उससे पहले बात कर लेती हूँ। मैं बना रही हूँ सागर क्योंकि रितु का उनका सबका फास्ट है और वो लोग गए हैं बाहर में, वापस आएंगे तब तक लेट हो जाएगा। रितु का आज प्रदोष का व्रत है तो शाम को तो वो खाना ही खा लेगी, तो उसके लिए भी साकार हो जाएगा और कोई और भी करेगा। जैसे शिवरात्रि का व्रत तो दोनों टाइम का है, अब वो पता नहीं उनका वो कब साकार करेंगे। तो उससे पहले बात कर लेती हूँ थोड़ी। जैसे आपको पता था कि गुड़िया के जो हम टिक्का लगवा के लाए थे वो बहुत परेशान हुई थी एंड सही में पूरी रात भी वो इतनी परेशान हुई बहुत ज्यादा, और पूरी रात ही उसको ऐसे यहाँ पे कंधे पे लेके बेचारी मम्मी, मम्मी बहुत परेशान क्योंकि मम्मी को पता है उनकी प्रॉब्लम चल रही है बॉडी में बहुत टाइम से, पैर में भी, और वो बहुत ज्यादा रोए भाई, इतनी ज्यादा ना नहीं देखा गया। और उसके पापा को मैंने एक छोटी सी क्लिप भेजी थी उसकी, कोशिश करूंगी ऐड करूं नहीं करूं पता नहीं, क्या पता आपने देख ली होगी अगर मैंने ऐड की है तो उसके पापा को भी इतना ऐसे हो गया क्योंकि होता है यार अपने बच्चे का ना बहुत ज्यादा ऐसे लगता है कि मतलब वो इतना तकलीफ में नहीं देखा जाता। कल शाम को भी मतलब मैं जब मम्मी थी नहीं और उस टाइम वो बहुत ज्यादा रो रही थी, तो मतलब मैं उसको देख के ऐसे हो गई रोने, जैसे कि सही बता रही हूँ अगर मम्मी नहीं होती तो मैं तो उसको देख के ऐसे ना रो ही जाती। अब बच्चे उससे बच्चे का इतना दुख तकलीफ देखा नहीं जाता और अभी वो थोड़ा सा बेटर है। सुबह थोड़ा फीवर आया था उसको, दोबारा हमने वो दवाई दी थी और अभी वो एकदम ठीक है और बस अभी वो सो रही है। वो जब तक सोती है तो मैं थोड़ा सा है उनके लिए सागार बना देती हूँ और चाय पीनी है मेरे को भी क्योंकि मैं मंदिर चली गई थी, और बस अभी फटाफट वो बना लेती हूँ क्योंकि और ज्यादा टाइम है नहीं कि मैं इतना ब्लॉग शूट कर पाऊँ क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं ना तो मन भी नहीं करता। और पता नहीं लोग कैसे शूट करते, मैं थोड़ा थोड़ा किया था उसमें पता ऐसा लगता यार मेरा बच्चा परेशान हो रहा है रो रहा है मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन खैर उनका भी शायद ब्लॉगर का काम होता है देखो आपकी हर चीजें वो शेयर करने का, जैसे मैंने भी थोड़ा सा किया है। लेकिन जब बच्चा आपका परेशान होता था ना तब सही में बता रही हूँ उनको वीडियो ब्लॉगिंग का ऐसे कुछ भी ध्यान नहीं आता। थोड़ा सा शुरू से भी मम्मी डांट देती थी, छोरी रो रही है देखो वीडियो की लग रही है, तो वो भी हो जाता है कि चलो अभी होगी बहुत सारी बातें इतनी ही कर सकती हूँ कि इतना ही टाइम है। अभी मैं जाती हूँ किचन में सगाई बनाने के लिए। तो यहाँ मैं सबसे पहले आलू बॉइल कर रही हूँ, फ्राई करने में बहुत बड़ा टाइम लगेगा मुझे। बीच में वो उठ गई थी जो उसको संभाल कुकर में, वो मैं आलू रख के गई थी पापा को बोल के गई थी कि संभाल लेना। तो आलू हम बॉइल हो चुके हैं तो मैं इनको सामान की खिचड़ी की प्रिपरेशन करते हूँ। तो ये है पता नहीं ये थोड़े से वो जो कच्चे से रह रहे हैं थोड़ा सा बॉयल पानी करके मैंने डाला है ताकि वो एक दो मिनट में पूरे हो जाए, थोड़े बहुत कुछ एक टाइट है। और यहाँ मैंने है जो मूंगफली है वो फ्राई कर ली है और टमाटर काट लिए है और हरी मिर्च भी काट ली है, आलू है वो पापा छील रहे हैं क्योंकि वो इतनी देर ही रहेगी तो ताकि जल्दी जल्दी में काम फटाफट हो जाए। तो ये लिए मैंने कड़ी लीव्स, इसका भी टेस्ट अच्छा आता है घर में ही है तो ऑब्वियसली क्यों नहीं। तो ये क्विक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं बड़े आराम से बहुत सारी चीज डाल के बनाती हूँ, तो अभी सिंपल सा बना रही हूँ। अच्छा सा जीरा है वो अच्छे से चटक जाए एक बार। मूंगफली मैंने फ्राई कर ली है, ये धनिया लास्ट में चॉप करके डालना है, टमाटर मैंने काट लिया है और ये हरी मिर्च है
और बॉयल्ड आलू है। अगर कच्चे आलू हो ना तो उनको घी में फ्राई करती हूँ, बट ये बॉयल्ड आलू है तो इनको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ये बाद में वैसे डाल दूँगी। ऑलमोस्ट रेडी है, इनका पानी निकाल देती हूँ मैं एक बार। काम तो कर लिया इस हिसाब से, मैं बीच में 3 बार जा चुकी हूँ, चौथी बार जा रही हूँ। यस बिट्टू, ऐसे तू तू करने दिया मेरे को काम, ऐसे कैसे खाना बनेगा? गलिया मम्मी ऐसी मम्मा आएंगी, मम्मा गोदी ले गई गलिया मिठू मेरी गोगली मोगली, ए मेरी गोगली मोगली की तरफ देखो, इन्हें देख गोगली मोगली, इन देख इन देख इन देख इन देख ए गोगुड़ी, इन देख इन देख नानी छा की तरफ देखो, ये गोगली मोगली ना मम्मी, आजकल गोगली मोगली गुदाखड़ी हो गई, इसको गुदा दी देखे बता, एक में 4 बार आना पड़ा बीच में मेरे को, एक सा घर बनाते टाइम तू कैसे 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 काम करने देखा, कितनी बार मेरे को उसको बीच में जाना पड़ा है, गैस बंद करके बीच में ही पड़ा ये सब। तो बाबा तो आपने देखा कि मैं सगार बनाने के लिए गई थी, और फिर ये बीच बीच में बहुत बार हो रही थी आना मेरे जाना, वो सगार फिर लास्ट में मैंने शूट करना ही बंद कर दिया, बस फटाफट वो बना के आ गई थी। एंड मैंने तो थोड़ा सा टेस्ट किया था क्योंकि मैंने उसमें हरी मिर्च डाल दी थी, और अभी मुझे हरी मिर्च है वो मेरी बंद है, तो फिर मैंने तो सिर्फ टेस्ट किया था और चाय पी, और फिर उसको लेके मैं सो गई थी क्योंकि वो सो नहीं रही थी, फिर वो थोड़ी देर सो गई थी और 3:30 बजे के आसपास वो मतलब उठ गई थी, और मेरे को नींद आ रही थी क्योंकि मैं रात को भी नहीं सो पाई थी, तो उसको मैंने मम्मी के पास भेज दिया एंड फिर नींद आई नहीं, और फ़ोन चलाने लग गई थी मैं थोड़ा बहुत, तो फ़ोन में कुछ रील्स वगैरह बनाती बैठी बैठी, क्या करूँ नींद नहीं आ रही, फ़ोन चला रही थी। अभी वो मम्मी के पास ही है, और बस ये ब्लॉग है ना बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर मैंने सोचा इस ब्लॉग को मैं ना यहीं पे है ना वो एंड कर देती हूँ। सो बस ये छोटा सा ब्लॉग था, और बस दुआ कीजिएगा कि मेरी बेटी वो हमेशा ठीक रहे, अच्छे से रहे। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में।